एवरी वन दिस इज अनम वेलकम टू पी एच डी जॉब्स एंड एडमिशन आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं so, सो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है हर एक क्वेश्चन के हर एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रखा है किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है कहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी को पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ये आपका सिक्सटींथ मार्च के दिन कंडक्ट करवाया गया

कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो जिसके लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है जिससे आप डायरेक्टली वन क्लिक में ही हमारे ऐप पर विजिट करते हैं आपको डाउनलोड वगैरह करने के लिए कोई भी आपको ऑप्शन नहीं देता है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो तो आप वन क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम आपको रिसर्च मेथोलॉजी पेपर का पार्ट वन हैथोलॉजी है, का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर जिसमें थियोरी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं देन हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक मॉकलेस में फोर्टी से फिफ्टी एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है तो उस तरीके से आपके फोर टू फाइव हंड्रेड एमसीक्यूज यहाँ कवर हो जाते हैं देन नोट्स काफी सिंपल फॉर्म में नोट हमने आपके लिए, लिए डिजाइन कर रखा है जिससे कि आप काफी सारे चीजें काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाए सिर्फ एक बार अगर आप रीड करते हो तो आपको नोट समझ में आ जाता है देन 1500 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ जिसमें हमने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं वहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी सारी यूनिवर्सिटीज के भी कवर कर रखा है जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं तो ये सारा कंटेंट बाइलिंग लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको देखने मिलेगा विथ हंड्रेड परसेंट पासिंग गारंटी जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट करना है या फिर हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी के साथ साथ पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका फुल सिलेबस हम कवर करवाएंगे जिसमें आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस ईयर तो पेपर टू में भी हम आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर टू का हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपका फुल सिलेबस हम आपका कवर करवाएंगे फॉर पेपर टू तो जिसके लिए आपको अगेन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप पर भी विजिट कर सकते हो पेपर टू के भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस करने के लिए जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाता है तो दैट्स इट जल्द से हम जल्द से जल्द हम आपके एमसीक्यूज की तरफ बढ़। All the following are parametric test टेस्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है सो पैरा पैरा होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं so, याद रखिए हाइपोथेसिस को हम अपने रिसर्च में टेस्ट करते है हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसोर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है

तो पैराट्रिक टेस्ट क्या होते हैं जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल करते हैं मतलब आपका जो पॉपुलेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है मतलब ये नॉर्मल so, डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आप पैरामेट्रिक टेस्ट में नॉर्मल अजीम करते हैं उसी तरीके से नॉन पैराट्रिक टेस्ट में आपका जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्मल अजीम नहीं करते हो सो so, यही डिफरेंस होता है आपका पैरा टेस्ट एंड नॉन so, आपका आता है -test, 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 टेस्ट. So, -test, टेस्ट, ये दोनों आपके हो जाएंगे पैरा टेस्ट तो टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये दोनों भी आपके पैरा टेस्ट हो जाएंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका क्या आता है कायस्किया टेस्ट

कंफ्यूज करने के लिए गिवन है सो पियसेंस को रिलेशन को रिलेशनल रिसर्च में होता है जिसे हम कहते हैं सो कोल आपको बताता है आपके जो वेरिएबल कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है क्या परफेक्ट पॉजिटिवली रिलेटेड है या फिर परफेक्ट नेगेटिवली नेगेटिवलीरिलेटेड है सो so, जो ऑप्शन डी आपको गिवेन है ऑप्शन डी का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है सो so, आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मैन यू टेस्ट मैन यू टेस्ट टेस्ट आपके नॉन के अंदर आता है और टी टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट ये आपके टेस्ट्रिक टेस्ट में आता है जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम कर लेते हो और मैन यू विटनेस आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है जिसमें आप आपकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मैन विटने यू टेस्ट नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है ये कौन से वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा अब यहाँ पर प्लांट में सोल्ट टॉलरेंस लेवल को मेजर किया जा रहा है कि प्लांट में कितना सोल्ट टॉलरेंस लेवल है सो so, उसको मेजर किया जा रहा है तो यहाँ पर सोल्ट टॉलरेंस ये एक वेरिएबल हो गया अब ये जो वेरिएबल है कौन से टाइप का वेरिएबल है क्या यह को फाउंडिंग वेरिएबल है सो या so, याद रखिए प्लांट में सोल्ट टॉलरेंस कितना है इसको हम बेसिकली प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सोल्ट में टॉलरेंस लेवल मेजर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट तो ऐसी चीजें जिसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली याद रखिएगा ऐसी चीजें जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं उन वेरिएबल्स को कहते हैं लेटेंट वेरिएबल सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेटेंट वेरिएबल लेटेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल थे जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो डायरेक्टली आप उसको आप थोड़ा बहुत उसको ऑब्जर्व तो कर सकते हो लेकिन उसको डायरेक्टली आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं लेटेंट वेरिएबल तरीके से जो रिमेनिंग ऑप्शन होने भी हम देख लेते हैं को फाउंडिंग वेरिएबल कौन फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं ये भी आपके एक्सट्रीनियस वेरिएबल की तरह होते हैं जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म करते हैं और को फाउंडिंग वेरिएबल से Uh, जो बायसनेस है ये बायसनेस को इंक्रीज करती है सो so, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ऐसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहा है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन एन करेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन सी मॉडरेटिंग वेरिएबल मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होते हैं जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल ये दोनों भी वेरिएबल को हार्म करते हैं दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल So, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरियबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बल्कि हमें एक ऐसा वेरिएबल दिया गया है जिसको हम मे, हमें मेजर करना है जिसे हम डायरेक्टली मेजर भी नहीं कर सकते सो so, उसे हम कहते हैं लेजेंट वेरिएबल ना कि मॉडरेटिंग वेरिएबल सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वट इज द यूज ऑफ फैक्टोरियल एनालिसिस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज क्या होता है So, याद रखिए रिसर्च में एक टर्म होता है फैक्टोरियल एनालिसिस जिसका मतलब होता है कि रिडक्शन ऑफ डेटा सो फैक्टोरियल एनालिसिस अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा रिसर्च में तो so, जो अननेसेसरी डेटा होगा उसको रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है जैसे वेरिएबल ए बी सी वेरिएबल डी वेरिएबल वेरिएबल ई एफ अब मेरे पास इतने सारे वेरिएबल्स है अब इतने सारे वेरिएबल्स पर मुझे फोकस करना इनको ऑब्जर्व करना इनको एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा अब रिसर्चर क्या करते हैं जो वे ये वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं ए से एफ तक इन सारे वेरिएबल्स को रिसर्चर को एनालाइज करना मुश्किल होता है तो रिसर्चर क्या करते हैं इस डेटा को रिड्यूस करते जाते हैं और रिसर्चर ये पता लगाते हैं कौन से है? दो ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसकी वजह से सारे जो वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है और कनेक्टेड है सो so, जैसे मैं यहाँ पर देखूंगी की यहाँ पर जो वेरिएबल बी है और वेरिएबल डी है ये दोनों एक ऐसे वेरिएबल्स है जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट है

उन चीजों को उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाते एनालिसिस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से रिसर्च जो होगी कॉम्प्लेक्स वे की तरफ चली जाएगी सो तो इसलिए बहुत ज्यादा डेटा जब होता है सो तो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है और जो दो मेन वेरिएबल्स होते हैं उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को पता करा जाता है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करा जाता है सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन

टूटेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है सो so, यस yes, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो हम हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर जहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट टेस्ट में सोचो दोनों भी साइड करते हैं ग्राफ के ओके लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड सो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है ओके दैट्स वाई हि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है One tail hypothesis जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है सो इट इज ऑल्सो करेक्ट जहां पर हम हमें ओके सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो और राइट हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू ओके नेक्स्ट डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेन टू स्प्रेड आउट अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो भी डेटा होता है आपके पास जो भी होता है आप उसको स्प्रेड आउट करते हैं मतलब मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है और उस डेटा को मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल डेटा है मतलब मान लीजिए किसी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की मैंने हाइट मेजर कर ली पर्टिकुलर है की उस उस या फिर सैंपल की मैंने हाइट मेजर कर ली हाइट मेजर करने के बाद मेरे पास एक न्यूमेरिकल डेटा हो गया देन मैं उस न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ में प्लॉट करूंगी मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको स्प्रेड आउट करूंगी तो कुछ इस तरीके से मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा तो ये बेसिकली स्प्रेड कितना स्प्रेड है मुझे ये देखना कि कितना ज्यादा स्प्रेड है कितने लोगों की हाइट मैक्सिमम है कितने लोगों की हाइट मिनिमम है कितने लोगों की हाइट कम है तो so मैं कुछ इस तरीके से अपने डेटा को प्लॉट कर लूंगी तो so कितना स्प्रेड है मेरे डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड है ये हमको कौन सा ऑप्शन बताता है सो so याद रखिएगा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना स्प्रेड है कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना ज्यादा स्प्रेड है वो आपको वेरिएंस बताता है वेरिएंस ये आपका सेंट्रल मूवमेंट होता है या आपकी सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है जो आपको बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना स्प्रेड आउट है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी कॉन्स्टेंस कॉन्स्टेंट क्या होता है जो वैल्यू फिक्स्ड हो लेकिन वेरियंस क्या होता है जो यहाँ पर क्या बता रहा है जो स्प्रेड आउट हो कितना कैसा स्प्रेड आउट हो वो बता रहा है तो तो हर बार constant, हुई को हम कहते हैं ऑब्वियसली तो पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी स्क्यूनेस स्क्यूनेस क्या बताता है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या फिर नहीं है स्क्यूनेस ये नहीं बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट है सो so यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया देन ऑप्शन डी कर्टोसिस कर्टोसिस क्या बताता है आपके डेटा की फ्लैटनेस पर आपका डेटा फ्लैट है पर आपका डेटा पीक पर जा रहा है ये आपका कर्टोसिस बताता है लेकिन कर्टोसिस ये नहीं बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, आपका जो डेटा होता है वो कितना स्प्रेड आउट है कितना कम स्प्रेड है कितना ज्यादा स्प्रेड है वो आपका बताता है वेरियंस सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरियंस एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेरियंस नेक्स्ट फॉलोइंग अदर नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट्स ऑफ 15 प्रोडक्ट्स एट अ स्टोर 12 14 15 18 19 21 21 31 32 46 53 57 58 एंड 59 व्हाट इज द सम ऑफ द मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 15 प्रोडक्ट है एक स्टोर में 15 टोटल प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट के हमें सोल्ड गिवन है मतलब वो 15 प्रोडक्ट जो है टोटल वो कुछ उस में बिके बिके हैं, हैं, so, कितने 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 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कि बार तरीके से डेटा गिवन है अब इस डेटे का हमें मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है और उनका सम निकालना है देन सो so, याद रखिएगा मीडियन एंड मोड क्या होते पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है कि आपके डेटे में जो मिडिल वैल्यू आपके डेटा की मिडिल या फिर सेंटर वैल्यू का हम कहते हैं मीडियन और मोड किसे कहते हैं आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार और सबसे मैक्सिमम बार जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड अब पहले हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो so, मैंने आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स में मीडियन को कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स बताया है बस आपको उन स्टेप्स को याद रखने हैं तो मीडियन को फाइंड आउट करने का स्टेप वन होता है आपको आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो, यहाँ पर, आपको जो है, हमें है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है देन स्टेप टू हमें ये देखना है कि आपका जो डेटा है वो ऑड है या फिर आपका जो डेटा है वो इवन है अगर आपका डेटा जो है ऑड होता है तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू है जो मिडिल वैल्यू है वो एक ही होगी अगर आपका डेटा इवन है तो उस केस में आपकी सेंटर और मिडिल वैल्यू और मीडियन वैल्यू दो होंगी एंड देन उसका आप एवरेज निकालते हो जैसे कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स का टोटल इन्फॉर्मेशन गिवेन है डेटा गिवन है मतलब यहाँ पर आपको टोटल जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है ये टोटल फिफ्टीन है और फिफ्टीन नंबर आपका ऑड होता है तो उस केस में आपकी जो सेंटर वैल्यू होगी सिर्फ एक ही होगी किस तरीके से आपको सेंटर वैल्यू निकालना है जैसे अगर मैं लेफ्ट साइड से देखती हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड एट एट पोजिशन पर मेरा थर्टी वन नंबर आ रहा है उसी तरीके से राइट हैंड साइड से अगर मैं देखती हूँ अगेन एट पोजिशन पर मेरा थर्टी वन आ रहा है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखू या फिर राइट हैंड साइड से देखू जो मेरा सेंटर और जो मेरा मिडिल नंबर आ रहा है वो थर्टी वन ही है तो so, इस केस में मेरी जो मिडिल वैल्यू इस डेटा की मिडिल वैल्यू और जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरी 31। याद रखिएगा आपकी जो मीडियन है मीडियन की वैल्यू है थर्टी वन उसी तरीके से हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं मोड क्या होता है बहुत सिंपल होता है आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही सबसे ज्यादा बार ऐसी वैल्यू जो रिपीट 21 21 हो रही है वैल्यू so हो जाएगी आपकी ट्वेंटी वन अब हमें क्या करना है मीन सॉरी मीडियन एंड मोड ये दोनों की भी हमें सम निकालना है सम क्या होता है सम इज नथिंग बट एडिशन आपको एड करना है मीडियन प्लस मोड को आपको ऐड करना है मीडियन कितना है आपका 31 प्लस मोड 21 सो so, 31 प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 52 सो so, यहाँ पर मीडियन एंड मोड का जो आपका सम आ रहा है वो है 52 सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 52 नेक्स्ट

अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आप इसको बीच से कट कर दोगे तो लेफ्ट साइड की जो इमेज है और राइट साइड की जो इमेज है एक दूसरे की ये मिरर इमेज हो जिसमें आपके जो मीन मीडियन एंड मोड तीनों भी एक दूसरे से इक्वल होते हैं तीनों भी सेम ही पॉइंट पे लाइक करते हैं सो तो ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये केस होता है कि तीनों एक दूसरे से इक्वल होंगे ओके देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो uh, डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट साइड में टिल्टेड होगा कुछ इस तरीके से आपका पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा जिसमें सबसे छोटा मीन मोड होता है फिर तो उसके बाद मीडियम एंड लास्ट सबसे लार्ज वैल्यू आपकी मीन की होती है तो ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड में होता है और नेगेटिव स्क्यूड में क्या होता है नेगेटिव स्क्यूड में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट right साइड पर टिल्टेड होगा जिसमें आपके सबसे छोटी मीन होता है देन उससे बड़ा आपका मीडियन होता है एंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू आपके मोड की होती है सो so, ये केस हमें ऑप्शन बी में गिवेन है मीन इज लेस देन इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन इक्वल टू मोड तो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन एंड मोड कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हो गए दैट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट टाइप एरर इज नोन एज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं सो टाइप टू एरर होता क्या है किस तरीके से टाइप टू एरर ये टर्म यूज में आया है इस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए सो so, याद रखिएगा रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं so, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है सो so, उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं टाइप वन एरर टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं सो so, याद रखिएगा टाइप टू एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप वन एंड टाइप टू एरर क्या होता है और टाइप वन एरर और टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं so, तो टाइप एरर कब होता है है जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो तो वो हो जाती है आपकी टाइप वन एरर और टाइप टू एरर का बकर होता है जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तब वो हो जाता है आपका टाइप टू एरर ओके Clear. Then, अब इस क्वेश्चन में पूछ कि कब कब होता होता है? टाइप टू एरर होता है? जब आपकी नल है आपकी नल हाइपोथिसिस है, 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 मतलब है, है ये नेगेटिव है और आपने क्या कर लिया यहाँ पर आपका डिसीजन क्या था इनकरेक्ट डिसीजन था आपका डिसीजन रॉन्ग था मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये यह फॉल्स था इसीलिए टाइप टू एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव उसी तरीके से टाइप वन एरर का भी आप देख लीजिए एग्जाम में टाइप वन एरर इज ऑल्सो नोने ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव अब टाइप वन एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो तब आपको होता है टाइप वन एरर सो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया फॉल्स डिसीजन ले लिया ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो आपका डिसीजन फॉल्स था तो टाइप वन एरर को हम कहते हैं टाइप वन एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप टू एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव तो ये आपको ये रिलेशन याद रखना है टाइप वन एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप टू एरर को और हम क्या कहते हैं तो so, ये एग्जाम में आने के चांसेस है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो टाइप टू एरर इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव सो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट रिसर्च स्टडीज इस क्वेश्चन में मैं एक डेफिनेशन गिवन है फाइंड आउट करने की डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी अब इस डेफिनेशन में मैं ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है वो कौन सी रिसर्च होती है वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमिना जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है कोई फेनोमिना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपका आपको जो भी डिसीज हुई आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है तो so, डॉक्टर उसको देखेगा आपको

एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फेनोमिना को किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमिना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा

पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फोर इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करते हैं उससे हम कहते हैं कोटाइल्स कोटाइल्स बेसिकली आपके डेटा को बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है सो so, जैसे कि इस डायग्राम में आपको देखना है ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या करा कोटाइल्स करते हैं मतलब आपके डेटे को चार पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया जैसे ये हो जाएगा आपका Q1, वन देन ये हो जाएगा आपका Q2 टू एंड ये हो जाएगा आपका क्यू तो इस तरीके से आपने आपके डेटे को फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड ये थर्ड एंड ये लास्ट इज फोर्थ ये इस तरीके से आपने चार पार्ट में आपके डेटे को डिवाइड कर लिया उससे हम कहते हैं कोटाइल्स देन अब यहाँ पर आप देख रहे हो Q1 का मतलब होता है कि आपका डेटा 25% इस रीजन में लाइक कर रहा है Q3 का मतलब होता है कि आपका डेटा जो डेटा है वो 75% परसेंट इस रीजन में लाइक कर रहा है एंड Q2 का मतलब होता है आपका डेटा कुछ इस तर, इस रीजन में लाइक कर रहा है अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन एंड Q3- थ्री माइनस क्यू बस इतनी ही वैल्यूज गिवेन है जो कि है ट्वेंटी एंड फिफ्टीन सो इस क्वेश्चन में हमें बस इन दोनों ही वैल्यू यही दो ही वैल्यू गिवन है मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है सो so, वो रिलेशन का आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जो होता है आपका इस इस रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला याद रखना है मीडियन का फार्मूला होगा इस केस में q1 q3 डिवाइडेड बाय 2 सो so, q1

माइनस क्यू वन की वैल्यू जो के है ट्वेंटी ये हमारी इक्वेशन टू हो गई सो इक्वेशन वन एंड टू को हम ऐड करेंगे ओके okay? ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपका Q1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है सो so पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे Q3 थ्री यहाँ पर दोनों भी पॉजिटिव है तो ये कैंसिल नहीं करना है आपको सो so यहाँ पर Q3 Q3 2Q3 हो जाएगा इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करना है 30 प्लस ट्वेंटी आपका हो जाएगा 50 क्यू थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी अपॉन टू सो क्यू थ्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव so तो यहाँ पर आपकी जो क्यू थ्री की वैल्यू है वो है ट्वेंटी फाइव जट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव एंड आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो